डीवीसी मोड पांडवेश्वर से डालुरबान होते हुए केंद्रा छत्तीसगंडा की ओर जाने वाली गड्ढे में तब्दील सड़क डालुरबान के पास तालाब बन गई है। वाहनों की आवागमन में परेशानी होने के साथ लोगों को पैदल चलना भी दुभर हो गया है। ईसीएल और सरकार के बीच के गतिरोध को बताकर सड़क की मरम्मती को लगातार टालने से सड़क की स्थिति जानलेवा बन गई है। ईसीएल के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, नेता सभी इसी सड़क मार्ग से आना जाना करते हैं, लेकिन किसी को भी सड़क की मरम्मती की ओर ध्यान नहीं है। केंद्रा पंचायत के कोई भी प्रतिनिधि ने इस सड़क की मरम्मती को लेकर अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भी प्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। जब भी कोई सड़क मरम्मती को लेकर ईसीएल पांडवेश्वर क्षेत्र के प्रबंधन और बीडीओ से मांग करता है तो एक दूसरे पर दोष देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वर्षों से मरम्मती के इंतजार में बड़ी डीवीसी मोड पांडवेश्वर से डालुरबान होकर केंद्रा छत्तीसगंडा तक जाने वाली सड़क जानलेवा बनती जा रही है। देखिए, जनरली क्या है, ये 2-3 साल पहले से ऐसा सिचुएशन, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, ऐसा ही बारिश के टाइम में हो जाता है, दुर्गा पूजा का टाइम में इसको भर दिया जाता है। बस जनरली ऐसे ही चल रहा है, ट्रक वगैरह चल रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, इसके कारण ये रोड खराब हो रहा है। इस पे देखने वाला कोई नहीं है, जनरली देखा जाता है बस टेम्प्रोरी काम चल रहा है बस। और एक गाइडलाइन है, मेंटेन बाय पीडब्ल्यूडी। अगर ये मेंटेनेंस ऐसा पीडब्ल्यूडी का है तो फिर क्या काम हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी ही जाता है। क्या तो रोड बनने वाला है, रोड बन ही रहा है, ठीक है, चलिए रोड नहीं बन रहा, कम से कम इसका एक मेंटेन होना चाहिए ना। मेंटेन कहीं नहीं, देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह ठीक है, वहाँ से यहाँ तक के बीच में ही ये प्रॉब्लम होता है। जनरली ये स्कूल के पास, आज स्कूल ओपन नहीं है इसीलिए ये सिचुएशन है। अगर स्कूल ओपन रहता तो इतना सिचुएशन नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता है एज पर गवर्नमेंट बेसिस, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हो नहीं रहा है। जनरली गाड़ी वगैरह आ रहा है जा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जिसको अल्टीमेटली कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर। इस पर जरा तो देखा जाएगा, हम आशा करते हैं अगर देखा जाए तो गौर किया जाए तो बहुत बड़ा इशू है, इतना इजी नहीं है, इतना इजी दिख रहा है। लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे एक टोटो वाला गिरते गिरते बचा, और बाइक वाला तो गिर ही रहा है, हर एक दिन 2 दिन में बाइक वाला गिर रहा है। फोर व्हीलर तो नहीं गिरेगा ना, फोर व्हीलर कैसे गिरेगा, फोर व्हीलर गिरने का कोई सॉल्यूशन नहीं, तो ये टोटो वाला ही गिर रहा है, यानी तो बाइक वाला ही गिर रहा है। और जब नहीं कोई ऑप्शन है तो साइड से किसी का दरवाजे के ऊपर से इधर से लेकर जाया जा रहा है, पैदल जाने वालों को भी प्रॉब्लम है, कोई गिर जा रहा है, ओल्ड एज वाले जा रहे हैं, अंधेरा, जनरली ये शाम के टाइम में हो रहा है, जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम ही लोग गिर रहे हैं, उस टाइम प्रॉब्लम हो रहा है। पत्थर वगैरह है बीच में, सब जितना भी कंकड़ वगैरह है सब ऊपर आ गया रोड का, ये आने वाले समय में और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, बारिश हो रहा है, ऐसा ऐसा देखिए पत्थर टाइप का हो जा रहा है, ये सब पत्थर डे बाई डे, देखिए ये सब बोल्डर दिया गया था लास्ट ईयर, ये सब बोल्डर डे बाई डे तो ऊपर आएगा ही, जैसे जैसे पानी भर रहा है उस हिसाब से ऊपर आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस पर अगर देखा जाए तो होप तो आने वाला समय में सॉल्यूशन निकल सकता है। आपका नाम भैया? विवेक। आपका भैया? शुभांकर। थैंक यू। प्रिय ग्राहक, अभी आपके शहर पांडवेश्वर में खुल चुका है होंडा का नया शोरूम। फ्री एसेसरीज प्रत्येक नए बाइक के साथ, आसान किस्ती और बाइक एक्सचेंज की भी सुविधा। ये सारे आकर्षक ऑफर के लिए अभी संपर्क कीजिए शाही ऑटोमोबाइल्स एक्सटेंशन काउंटर, एरिया मोड, गीता लॉज बिल्डिंग, पांडवेश्वर।